ये फ्रेंड शोभा लिमिटेड के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है जहाँ पे तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू के बेसिस से सिलेक्शन होगा। ओके, और इन लोग वॉकिंग इंटरव्यू कॉन्डक्ट कर रहे हैं तो उसी डेट में जाके तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देने के बाद वॉकिंग इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन प्रोसीड्योर उन लोग बताएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली फॉर वॉकिंग इंटरव्यू के बेसिस से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, पहला बात है। सेकेंड, तुम्हारा यहाँ पर बीई और बीटेक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बीई और बीटेक यहाँ पर अप्लाई कर सकते। सॉरी टू से दैट, यहाँ पे डिप्लोमा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और एक चीज़ बात है, यहाँ पे फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फॉर एक्सपीरियंस होल्डर जिन लोग हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते। ओके, और यहाँ पे ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे अप्लाई कर सकते। ओके, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। सेकेंड जो है तुम्हारा सिविल, हाँ यहाँ सिविल भी यहाँ पे एलिजिबल है, और ए मैकेनिकल। ओके, इलेक्ट्रिकल सिविल एंड मैकेनिकल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा बीई और बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ओपनिंग चल रहा है जहाँ पे इन लोगों का हैदराबाद लोकेशंस में इन लोगों का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे भी सिलेक्शन हो सकते हैं। बेंगलोर में भी इन लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है, देन तुम्हारा हरियाणा में भी हो रहा है। तो ऐसा करके बहुत 3 लोकेशंस में इन लोगों का जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के ऊपर तुम लोगों को लिए इन लोग जो एप्लीकेशन यहाँ पे जारी किए, दैट्स मीन इंटरव्यू इन लोग जारी किए। तो थोड़ा सा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, मैं नया बनाई हूँ, जहाँ पे जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे रेड कलर का जो दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा, तुम्हारा सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, दैट्स मीन सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो बेल आइकॉन है यहाँ पे जाके क्लिक करके, यहाँ पे जो ऑल है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा, तुम्हारा सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा, जितने सारे मैं वीडियो अपलोडेड करेंगे सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारे मैं वैकेंसीज ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, अपने हिसाब से जाके देख सकते हो। और यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके क्लिक करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर जॉब, प्राइवेट जॉब वैकेंसीज एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, पे देख सकते हो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वॉकिंग इंटरव्यू करके, तुम्हारा 1 अक्टूबर होगा 9 AM to 12:30 PM के अंदर तुमको वॉकिंग इंटरव्यू होगा, ठीक है, 9 AM to 12:30 PM तक वॉकिंग इंटरव्यू चलेगा 1 अक्टूबर। ओके, जहाँ पे ओपनिंग पोजीशंस के लिए यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे है, यहाँ पे जैसा तुम्हारा है पहला जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, जहाँ पे बेंगलोर में होगा, सॉरी बेंगलोर में तुम्हारा जॉब लोकेशन होगा। और बीई मतलब बैचलर इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, जहाँ पे 2 to 7 years एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड रिबेट, जहाँ पे तुम्हारा हाई राइज बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन सेकेंड जो है तुम्हारा होम लोन डेस्क, बट ये हम लोगों का इंजीनियरिंग का मतलब नहीं है तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। थर्ड जो है यहाँ पे देख सकते हो प्लानिंग इंजीनियर और मैनेजर के लिए है, जहाँ पे तुम्हारा बेंगलोर और हरियाणा में होगा जॉब लोकेशंस। और एक चीज़ बात है, यहाँ पे बीई इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से कंप्लीट करना चाहिए, 5 to 10 years एक्सपीरियंस मांगा है, हाई राइज बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड जो है यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा जो है कॉस्टिंग और बिलिंग और एस्टिमेशन इंजीनियर बेंगलोर में तुम्हारा लोकेशंस होगा, जहाँ पे बोला बीई बैचलर इंजीनियरिंग, देन तुम्हारा यहाँ पे मांगा है जो ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, 4 to 9 years एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, क्लाइंट बिल्डिंग एंड हाई राइज बिल्डिंग का ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, देन तुम्हारा जो बोल रहा है यहाँ पे बीई सिविल इन क्लाइंट बिलिंग एंड हाई राइज बिल्डिंग। ओके, देन तुम्हारा इलेक्ट्रिकल टेंडरिंग के लिए है, जहाँ पे तुम्हारा बेंगलोर लोकेशंस में तुम्हारा जॉब होगा, जहाँ पे बीई इलेक्ट्रिकल हाई राइज बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीई इलेक्ट्रिकल बैचलर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कंप्लीट करना चाहिए, जहाँ पे 3 to 6 years एक्सपीरियंस मांगा है और एक्सपीरियंस बोला है हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर। ओके, देन यहाँ पे एनी ग्रेजुएशन से वाला नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों का इंजीनियरिंग का मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एंड एंड जो है यहाँ पे देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, जहाँ पे तुम्हारा हैदराबाद लोकेशंस में तुम्हारा जॉब लो होगा, जहाँ पे बीटेक यहाँ पे तुम्हारा बीटेक एलिजिबल है, बाकी सब के लिए बीई है, बट ए वाला लास्ट वाला जो है तुम्हारा बीटेक। ओके, जहाँ पे बीटेक बोला है, और यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल, जहाँ पे 3 to 5 years एक्सपीरियंस मांगा है इन हाईरेस एंड टावर क्रेन के लिए। ओके, अभी आते कैसा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला बात है तो इंटरव्यू होगा, वॉकिंग इंटरव्यू होगा। तो वॉकिंग इंटरव्यू के लिए यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया है, देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा बेंगलोर में तुम्हारा
वॉकिंग इंटरव्यू होगा, दिस लोकेशंस में जाके तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा। पहले बात है एक्सपीरियंस वाला मैच कर लेना अपने हिसाब से, उसके बाद वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ओके, 1 अक्टूबर तुम्हारा होगा वॉकिंग इंटरव्यू 9 AM to 12:30 PM। ओके, आई होप मैं सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ, तो जिन लोगों को जाना चाहते हो जाके इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू जिन लोग दे रही हो उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करके देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।